मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलना बोलूँगा क्योंकि मेरा हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है, गुजराती तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ लिया लेकिन हिंदी अंग्रेजी मिक्स करके मैं बोलूँगा। इस सभा के चेयरमैन नितिन भाई पटेल, गुजरात के रेवेन्यू मिनिस्टर कौशिक भाई पटेल, हमारे आदरणीय श्री उद्धव जी भाई जिनके आज फेलिसिटेशन हुआ, निधेश भाई, सेंधा भाई, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, गुजरात टी ट्रेडर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जो मंच में बैठे हैं, आपका जयंत भाई, और हमारे मेहमान, हमारे जो मेंबर है GTTA के मेंबर जो है, भाइयों बहनों, आपके सामने मैं खड़ा हूँ टी बोर्ड चेयरमैन रूप में मैं खड़ा हूँ, और आपको थोड़ा मैं चाय इंडस्ट्री के बारे में बोलने चाहता हूँ, चाय इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि हम सब लोग सोचते हैं कि हमारा जो हिस्सा है इंडस्ट्री का हिस्सा, हम उसी को मानते हैं चाय इंडस्ट्री बोल के। आप लोग समझते हैं कि जो ट्रेडर है वही चाय इंडस्ट्री है, जो बड़ा पैकेटर है वो लोग समझते हैं कि बड़ा पैकेटर चाय इंडस्ट्री है, जैसे हम हैं जो उत्पादन करते हैं, जो खेती करते हैं, हम सोचते हैं सिर्फ हमारे जो प्लांटेशन है वही चाय इंडस्ट्री है, लेकिन प्रकृति में चाय इंडस्ट्री ये सब है। द टी इंडस्ट्री कवर्स द एंटायर सप्लाई चेन ऑफ टी, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीन लीफ प्रोड्यूसर, जो पत्ती उत्पादन करते हैं। आजकल भारतवर्ष में एक विप्लव हुआ है, आगे बड़ा बड़ा फार्म थे, आप शायद आप लोग गए होंगे, जो मेगर टाइप का बगान, एक एक बगान 2000 एकड़ का बगान थे, आजकल उत्तर बंगा में, असम में और साउथ इंडिया में लाख लाख आदमी चाय पत्ती का उत्पादन करते हैं, छोटा छोटा ज़मीन में, एक बीघा डेढ़ बीघा ज़मीन में उत्पादन करते हैं, तो इन ये भी चाय इंडस्ट्री का एक हिस्सा है, हम भी है। जो ब्रोकर है, जो दलाल है चाय में जो कारोबार करते हैं वो भी है, जो होलसेलर है वो भी है, जो पैकेटर है, जो रिटेलर है वो भी है, जो चाय दुकान में चाय बेचते हैं कप में, जो भाड़ में, कुल्हार में जो बेचते हैं वो भी है, ये सब जो इकोसिस्टम है ये है चाय इंडस्ट्री, और ये जो इंडस्ट्री है लाख लाख आदमी को सपोर्ट करते हैं, सिर्फ मजदूर चाय इंडस्ट्री, जो ऑर्गेनाइज्ड चाय इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री में मजदूर है 10 लाख से ऊपर, परमानेंट मजदूर, तो सोचिए जो चाय बेचते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म में या जहाँ भी, सब मिला के शायद करोड़ आदमी चाय कारोबार के साथ में जड़ित है, मैं समझता हूँ। लेकिन हमारा समस्या है कि हमारा इंडस्ट्री यूनाइटेड नहीं है, जैसे शायद कोई कोई राज्य में एसोसिएशन भी 2-3 एसोसिएशन बन जाता है या जाती है, मेरा हिंदी बहुत ख़राब है माफ़ कीजिए, वैसे आपका जो हमारा इंडस्ट्री का अलग अलग हिस्सा है, हम सब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री के फ्यूचर के लिए खराब है। आप अगर देखते हैं श्रीलंका में प्रोड्यूसर हो अपना इंटरनल कंजम्पशन बहुत कम है, श्रीलंका में 90% से ऊपर वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन श्रीलंका में प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर का एक बहुत तगड़ा बंधन है। यहाँ पे हर हिस्सा, इंडस्ट्री का हर हिस्सा दूसरा हिस्सा के साथ झगड़ा कर रहे हैं, और जो समस्याएं हैं हर सेगमेंट, इंडस्ट्री का सेगमेंट वो दूसरा सेगमेंट के ऊपर दोष देने कोशिश करता है कि आप लोग खराब है, आप लोग हमको शोषण कर रहे हैं, आप लोग खराब चाय उत्पादन कर रहे हैं। जब तक हम यूनाइट नहीं करते हैं तब तक हमारा इंडस्ट्री से जितना हमको बेनिफिट मिलना है और देश को जितना बेनिफिट मिलना है, जन साधारण को जितना बेनिफिट मिलना है वो नहीं मिलेगा,
हमको यूनाइटेड होना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हम सब एक ही इंडस्ट्री का हिस्सा है। ये अगर हम करते हैं तो मेरे ख्याल में टी इंडस्ट्री विल रीच मच ग्रेटर हाइट्स इफ़ वी कैन यूनाइट विद इन द इंडस्ट्री। द डिफरेंट सेगमेंट्स मस्ट नीड टू यूनाइट। टी बोर्ड को स्थापन किया 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और तब से आपका चेयरमैन हिसाब से, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हिसाब से एक आईएएस ऑफिसर को गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर रहे थे, लेकिन दो साल के आगे वो निर्णय किया कि ट्रेड से, ये इंडस्ट्री से कोई एक आदमी को चेयरमैन बनाएंगे, लेकिन साथ में जो आईएएस का एक हरदम एक तगड़ा लॉबी होता है, लॉबी ने ऐसा किया कि चेयरमैन का हाथ में कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं रहेगा। उसके वजह से मुझे चेयरमैन चुना गया है, लेकिन मैं किसी को ट्रांसफ़र करने नहीं सकता हूँ, किसी को प्रमोट करने नहीं सकता हूँ, और कोई फंड भी एलोकेट नहीं कर सकता हूँ, और खर्चा भी नहीं कर नहीं सकता हूँ। सो आई एम अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। ज़रूर मेरा उपदेश थोड़ा बहुत सुनते हैं, जैसे आपका जैसे मार्गदर्शक बैठे हैं मंच पे, एक प्रकार से मैं भी मार्गदर्शक हूँ टी बोर्ड का, लेकिन उनका क्या क्या ख्याल है पता नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि चाय उद्योग के लिए जो जो प्लान प्रोग्राम करना चाहिए हम उसको इम्प्लीमेंट करने नहीं पा रहा है, और आप लोग के साथ में मेरा इतना इंटरेक्शन भी नहीं होता है, और शायद आप लोग इतना मेरे ऊपर इतना नाराज़ भी नहीं है, लेकिन जिस सेगमेंट के साथ मेरा डे टू डे इंटरेक्शन होता है, प्रोड्यूसर या ब्रोकर कलकत्ता में जो बैठे हैं, वो मेरे ऊपर काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि मैं जो करना है मुझे बहुत अच्छा से मालूम है क्या करना है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में मुझे डेप्यूटी चेयरमैन, जिनका हाथ में सब पावर है अब, और वो एक आईएएस ऑफिसर है, उनको मैं समझाने नहीं सकता हूँ कि क्या करना है। अब टी बोर्ड का डेप्यूटी चेयरमैन श्यामल मिश्रा जी है, श्यामल मिश्रा जी नृपेंद्र मिश्रा का जमाई है, सन इन लॉ, और नृपेंद्र मिश्रा हमारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सेक्रेटरी है, पीएस है, तो उनका ड्यूअल चार्ज है टी बोर्ड डेप्यूटी चेयरमैन के साथ में कॉमर्स मिनिस्ट्री में, वो जॉइंट सेक्रेटरी है जो लैटिन अमेरिका का एक्सपोर्ट देखते हैं, तो उनके लिए चाय उद्योग इतना गुरुत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक टाइम में 1950 में इंडिया का पूरा एक्सपोर्ट का 20% चाय का एक्सपोर्ट था, 20% आउट ऑफ टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स परसेंटेज ऑफ टी एक्सपोर्ट्स वाज 20%। टुडे आज चाय का एक्सपोर्ट कितना होता है, 250 मिलियन किलो, 200 रुपया कितना होता है, 25 करोड़ रुपया, 200 रुपया, 5000 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट होता है, और टोटल एक्सपोर्ट्स आपको पता होगा कि कितना, 3 लाख करोड़ ऐसा कुछ है, ह्यूज अमाउंट है, 300 बिलियन डॉलर है, 300 बिलियन डॉलर यानी 18,000 बिलियन रुपीस, बहुत, 1,80,000 करोड़ रुपया का एक्सपोर्ट में से सिर्फ 5,000 करोड़ रुपया चाय का है, वो इनसिग्निफिकेंट हो गया है। तो जो लोग, जो ब्यूरोक्रेट टी बोर्ड चलाते हैं, उनके लिए अगर फुल चार्ज देता है तो कम से कम कुछ करेंगे, लेकिन अगर ड्यूअल चार्ज का कोई ब्यूरोक्रेट को दिया एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के हिसाब में, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका आदमी अच्छा होने से भी उनका जो लोड है वो कहाँ में काम करेगा, जहाँ में ज़्यादा एक्सपोर्ट है, जहाँ ज़्यादा वैल्यू, आजकल सब चीज़ वैल्यू में जुड़ा जाता है, जुड़ा नहीं क्या बोलता है, जोखा जाता है, माने इसको मेजर करता है वैल्यू में, तो चाय उद्योग एक्सपोर्ट के माने के दृश्य में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हम एम्प्लॉय करते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देते हैं हम 10 लाख से ऊपर आदमी को, जो प्लांटेशन है, आप लोग का जो कारोबार है, और 1-2 लाख आदमी को आप शायद एम्प्लॉय करते होंगे, और जो लोग रिटेल, जो लोग आरटीडी बेचते हैं, जो रेडी टू ड्रिंक चाय बेचते हैं, वो सब जोड़ जोड़ के बहुत आदमी चाय उद्योग के साथ कनेक्टेड है, तो इसको हमको बचाना है, इसको मजबूत करना है हमको, और गवर्नमेंट शायद थोड़ा बहुत सेंसिटाइज हुए हैं इसके बारे में, क्योंकि चाय के बारे में काफ़ी
आलोचना हो रहा है सब राज्य में। मैं टी बोर्ड चेयरमैन के साथ मैं टी रिसर्च एसोसिएशन का भी चेयरमैन हूँ। यहाँ मैं हमारा कल्टीवेशन से लेकर पैकेजिंग तक हमारा रिसर्च हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ में हमारा कोलैबोरेशन है। लेकिन चाय उद्योग ऐसा उद्योग है कि हम चेंज का बहुत रिजिस्टेंट हैं। हम नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। जो टाटा ने जो पॉलीपैक इंट्रोड्यूस किया था 80s में, वो एक रेवोल्यूशन था, एक गेम चेंजर था। उसके आगे कार्टन में ही पैक करते थे और लूज टी का जो मार्केट शेयर था देश में 90% से ऊपर था। उसके बाद ये पॉलीपैक होने के बाद आस्ते आस्ते पैकेट चाय हैज़ बीन गेनिंग ग्राउंड एट द एक्सपेंस ऑफ लूज टी। लूज टी का सेल शायद कमती हो रहा है हर साल और पैकेट चाय का सेल बढ़ते जा रहा है। लेकिन उसके बाद में पैकेजिंग में और कितना इनोवेशन है। आप देखिए जो भुजिया है, हर साल भिकाजी अपना भुजिया का पैकिंग चेंज करते हैं। पहले एक टाइप का एक पॉलीपैक था, अब वो मैट टाइप का पॉलीपैक आया है, जिप लॉक पॉलीपैक है, स्टैंड अप पॉलीपैक है। अब पॉलीपैक के अलावा एक साथ में कम से कम एक ट्यूब बेच रहे हैं। वो ट्यूब में एक छेद करके वो भुजिया निकाल सकता है उससे। तो वो उनका एक इनोवेशन है। चाय में आप लोग का साइड में भी इनोवेशन कमती है और बगान में ऐसा है कि जो मशीन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, CTC मशीन 1940 में आविष्कार हुआ था, ऑर्थोडॉक्स मशीन 1835 में आविष्कार हुआ, ड्रायर इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड बेड ड्रायर 1970 में इन्वेंट हुआ, आविष्कार हुआ, जो कन्वेंशनल ड्रायर है वो 1800 से चल रहा है। तो मेरे ख्याल में बहुत स्कोप है, इनोवेशन का बहुत स्कोप है। और हमारा बात है कि हम हर चीज़ थोड़ा बहुत करके, थोड़ा ट्राई करके अगर हमारा नुकसान हुआ या अगर वो कैच ऑन नहीं हुआ, हम विड्रॉ करते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, मैकलाउड रसल मेगर्स ने पैकेट चाय में उतरा था एक 10 साल के आगे। एक दो साल उसका नुकसान हुआ, वो मैंने छोड़ के निकल गया। अब दोबारा करने कोशिश कर रहे हैं, शायद एवरेडी का साथ कोई कलेबरेशन करके, या पता नहीं इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, पता नहीं है। लेकिन उनका स्टेइंग पावर उस टाइम में, उनका प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो थोड़ा नुकसान होने का वजह से वो निकल गया। वो विदड्रू फ्रॉम दैट वेंचर बिकॉज ऑफ अ स्मॉल लॉस दैट दे वर मेकिंग। सिमिलरली द टी इंडस्ट्री डजंट वॉन्ट टू ट्राई एनीथिंग न्यू। आई डोंट नो द रीज़न वाई इट इज़ लाइक दैट। मे बी एक कारण हो सकता है, आप जो लोग जो कलकत्ता जाते हैं, आप देखे होंगे कि मैं बुजुर्ग का मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन एक इंडस्ट्री में डायनामिज़म लाने के लिए यूथ का ज़रूरत है। आप देखेंगे कि हर चाय बगान का कम से कम CEO जो कंपनी चला रहे हैं, वो सब 60 साल 70 साल से ज़्यादा है उनका एज। हमको एडवाइस लेना है, माने जो हमारा एजेड आदमी है उनसे हमको एडवाइस लेना है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटर है, शायद जो जवान आदमी है, उसका रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है, और मैं समझता हूँ। तो इसको अगर चेंज नहीं करते हैं, हमारा इंडस्ट्री स्टैग्नेट होगा और हमारा फ्यूचर इतना अच्छा नहीं होगा, ऐसा लगता है। हमारा एक बड़ा चेंज हुआ है 1985 से इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री अब टू टायर इंडस्ट्री हो गया है। एक जो ग्रोइंग, मैं ग्रोअर के बारे में बोल रहा हूँ। आपका एक स्मॉल ग्रोअर बॉटली फैक्ट्री का एक टायर है और सेकेंड टायर है जो कॉम्पोजिट गार्डन है। इन दो श्रेणी में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है और इनका कोई इक्विवेलेंस नहीं है। ये दोनों जो टायर है कंप्लीट अलग है,
एक टायर है जिसका फिक्स कॉस्ट है, जिसका हाई कॉस्ट है, जो क्वालिटी में थोड़ा फोकस करता है, और जो सेकंड टायर है जो स्मॉल ग्रोअर और बॉटली फैक्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है, उनका बॉटली फैक्ट्री एक जॉब वर्क जैसा चलाते हैं, उनका उनका फैक्ट्री वो रॉ मटेरियल खरीदता है और वो कन्वर्ट करता है, चाय में वो कन्वर्ट करता है, ब्लैक टी में कन्वर्ट करता है, और एक फिक्स्ड एक मार्जिन रख के बेचने की कोशिश करते हैं, या वो उल्टा भी करने सकते हैं, उनका उनका कैपेसिटी है उल्टा भी करने के लिए। आप लोग अगर एक ऑर्डर देता है, देखो हमको 80 रुपया में चाय चाहिए, तो वो लोग सोच सकता है कि ठीक है मेरा 20 रुपया 25 रुपया कॉस्टिंग है, फैक्ट्री कॉस्टिंग मेरा ओवरहेड है, और 10 रुपया 8 रुपया 10 रुपया है, तो मेरे हाथ में अगर 33 रुपया रहता है मैं कितना दे सकता हूँ बॉट माने ग्रीन लीफ के लिए मैं कितना दे सकता हूँ, और वो लोकली वो एक टेंडर टाइप का फ्लोट कर सकता है कि मुझे 12 रुपया किलो में मुझे ग्रीन लीफ चाहिए, पत्ती चाहिए, तो मैं स्मॉल ग्रोअर हूँ, मैं मेरा मन में मैं सोचूंगा मैं 12 रुपया में उत्पादन करने नहीं सकता हूँ, मेरा कॉस्टिंग ज़्यादा है अगर मैं हाथ से प्लकिंग करूँ। लेकिन अगर मैं सिकल गुजराती हिंदी में भी क्या बोलता है पता नहीं है, दातरू से अगर मैं 2 फुट लंबा पत्ती मैं उठाता हूँ, तो एक मजदूर मुझे दिन में 200 केजी देगा, उसको मैं 200-300 रुपया देने से भी मेरा 60 पैसा में पत्ती उठ जाएगा, प्लस बाकी खर्चा लेके मेरा 7 रुपया 8 रुपया में कॉस्टिंग होगा, मैं इसको ज़रूर सप्लाई करने सकूँगा। और आप लोग हमको असम चाय को बचा रहे हैं गुजरात, क्योंकि गुजरात में क्वालिटी कॉन्शियसनेस है, और आपका एक मैं मेनिया एक खराब शब्द है, लेकिन एक आकर्षण है वो पीला लिकर का, वो पीला लिकर असम में ही होता है, वो अच्छा पत्ती से ही होता है, उसको विदर करने से ही होता है, तो आपके लिए वो असम का जो हाई क्वालिटी बगान है बच रहा है, क्योंकि बाकी जो ब्लेंडर है बड़ा ब्लेंडर है वो सिलीगुड़ी जो तेराय बोलता है, सिलीगुड़ी के पास में जो फैक्ट्री है, तेराय का चाय 75-80 रुपया में एक मेजर ब्लेंडर ने बहुत चाय उठाया, उससे क्या चाय बनेगा, क्या पैकेट होगा भगवान जाने, लेकिन उठाया है ना। और हमारा इंडस्ट्री का सबसे रिस्की बात है कि वो लोअर सेगमेंट में लाभ मुनाफा ज़्यादा है, इन्वॉल्वमेंट वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्वमेंट भी कम है, द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स फॉर चीप टीज आर मच लेस देन फॉर एक्सपेंसिव टीज, बिकॉज योर इन्वेंट्री इफ़ यू आर सेलिंग योर टी एट 400 रुपीज, योर इन्वेंट्री कॉस्ट विल नॉट बी लेस दैन 200 रुपीज प्लस पर किलो, तो वर्किंग कैपिटल का ज़्यादा ज़रूरत होगा। आप अगर 200 रुपया में चाय बेचेंगे तो आप वो 80-85 वाला चाय लेके आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा, प्लस पर केजी प्रॉफिट भी अभी जो माहौल है बाज़ार में शायद ज़्यादा होगा। ये इंडस्ट्री के लिए बहुत डेंजरस ट्रेंड है, तो वो उल्टा साइड में हमारा जो गवर्नमेंट है असम का गवर्नमेंट बहुत प्रेशर दे रहा है वेज में, और वेज काफ़ी लो है। आपको पता है कि गुजरात में एक मजदूर को एक दिन खटवाने से आपको 500 रुपया देना पड़ता है, तो असम में वेज है जो कॉम्पोजिट वेज है वो 290 रुपया है सब फैसिलिटी लेकर, और जो कैश कंपोनेंट है वो सिर्फ 137 रुपीज़ है। अब गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला है, अभी तक नहीं निकाला है लेकिन निकालने वाले हैं, 351 रुपया करेंगे कॉम्पोजिट वेज, उनका प्रस्ताव है 351 रुपया करने का, और कैश वेज अगर हम बैक कैलकुलेट करेंगे तो कैश वेज 200 रुपया से ऊपर होगा, तो 137 से 200 यानी 63 रुपया बढ़ेगा। इसके वजह से जो कॉम्पोजिट गार्डन है उसका कॉस्टिंग बढ़ने वाला है 40 रुपया के ऊपर। आपको पता है कि 40 रुपया प्रॉफिट बनाने वाले गार्डन बहुत कम है, आप लोग का शायद होता है एक दो पैकर का, लेकिन गार्डन का 40 रुपया प्रॉफिट ही नहीं होता है, तो आपका लॉस में तो कोई चलाने वाले नहीं है,
साथ में स्मॉल ग्रोअर का वेज वो लोग बोलते हैं कि 330 रुपया करेंगे, तो एक एक सप्लाई शॉक होने वाला है टी इंडस्ट्री में। बंगाल ने 150 रुपया में वेज फिक्स किया है, लेकिन अगर असम में 200 प्लस होता है कैश वेज प्लस बेनिफिट लेके 351 रुपया होता है, तो बंगाल में रायट होगा, मैंने रायट नहीं स्ट्राइक होगा, वो लोग 150 में काम करने वाले नहीं हैं। हमारा नॉर्थ इंडिया में मेन प्रॉब्लम है आउटपुट पर मैंडे बहुत बहुत लो है। एक आदमी को एक दिन खटाने से हमारा 2.4 केजी चाय निकलता है मेड टी, यानी एक 10 लाख केजी वाला गार्डन जो साल में 10 लाख केजी उत्पादन करता है उसका 4,20,000 मैंडे खर्चा होता है साल में। यही हमारा वीकनेस है। साउथ इंडिया में उसी इक्विवेलेंट गार्डन का मैक्सिमम 1.5 लाख मैंडे यूज होता है, 1.5 लाख, हमारा 4,20,000। तो वहाँ में वेज ज़्यादा है और मैंने वो लोग लेबर को एक्चुअली आकर्षण करना पड़ता है वो लोगों को, क्योंकि बहुत दूसरा एवेन्यू है साउथ इंडिया में, तिरुपुर है, कोयम्बतूर है, बेंगलोर है, चेन्नई है, जहाँ में मजदूरी का कीमत 450 रुपया है। आपका अगर 500 है वो लोग का 400 है असम में, लेकिन बाकी कुछ नहीं है, इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं है। अब नया गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है इंडस्ट्री को लाने के लिए, लेकिन टाइम लगेगा। और हमारा पास में बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश में बहुत बहुत आदमी है जो इंडिया में आने के लिए बहुत चाहते हैं, वो लोग अच्छा पाते हैं इंडिया में आने के लिए। तो असम में वो मैंने लेबर का कोई शॉर्टेज कमी नहीं है, कोई कोई गार्डन वाले बोलते हैं हमको लेबर नहीं मिलता है, लेकिन इतना लो वेज में लेबर नहीं मिलता है। वेज अगर बढ़ता है तो बहुत आइडल लेबर है असम में, और ये वेज बढ़ेगा। और एक्चुअली आप लोग का जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है आप लोग थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है मार्केट में। और जैसे मैं आगे में बोला, थोड़ा आगे, ये लो प्राइस चाय में मार्जिन ज़्यादा है, तो दो अपोजिंग फोर्स है हमारा बिजनेस में। एक फोर्स है जो चाय का दाम माने बढ़ना ही पड़ेगा वरना इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, जो सोर्स है आपका, जो सप्लायर है वो लोग सप्लाई करने नहीं सकेंगे। और दूसरा फोर्स है कंज्यूमर सस्ता में चाहता है चाय, और कंज्यूमर जैसे आप लोग भी जैसे पीते हैं या नॉर्थ इंडिया में जैसे पीते हैं, वो चाय दूध में डाल के अगर बॉयल करते हैं, एक ख़राब चाय और एक अच्छा चाय में ज़्यादा फर्क नहीं होता है अल्टीमेट एंड प्रोडक्ट में, वो कप में। आप लोग अच्छा चाय लेते हैं क्योंकि आपको वो पीला रंग का एक अट्रैक्शन है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में नहीं है, उसका लाल भी चल जाता है, और राजकोट एरिया में भी गुलाबी चलता है शायद, है ना। तो हमको क्या करना है, कैसे एजुकेट करना है, ये बहुत अगर मैंने वो हिंदी में जटिल एक शब्द है क्या, हाँ असमीज में मैंने दैट वर्ड इज़ देयर इन असमीज, सो हम असमीज से भी ट्रांसलेट कर रहा है अपना मन में। एक्चुअली बहुत शर्म का बात है कि मेरा हिंदी इतना ख़राब है, हमारा राष्ट्रभाषा है, गाना वाना गा सकता हूँ हिंदी में, लेकिन वो मेमोरी से गाना पड़ता है। अगर नहीं मैं नहीं गाऊँगा, आप चिंता मत कीजिए, हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा। ये और एक बात है, आपका अच्छा क्वालिटी चाय और ख़राब चाय में कीपिंग क्वालिटी का बहुत फ़र्क होता है। जो अच्छा पत्ती से बनाया जाता है जो चाय, उसका कीपिंग क्वालिटी लंबा होता है, जो क्योंकि वो विदर का ऊपर डिपेंड करता है। आप इतना लंबा पत्ती अगर विदर करते हैं तो CTC में नहीं कटेगा, वो भूसी का माफिक निकलेगा, लेकिन उसका भी इलाज है। बांग्लादेश में 8 कट का CTC लगाते हैं, हाँ उसका लिकर बिल्कुल नहीं है, वो बस देखने में चाय जैसा है, बाकी उसका कोई चाय का कोई गुण नहीं है उसमें, और वो कीपिंग क्वालिटी विदर का ऊपर निर्भर करता है। अच्छा पत्ती होने से विदर कर पाएंगे, वरना विदर करने नहीं सकेंगे। तो जो चाय आप खरीदते हैं आज, जो खरीदते हैं 6 महीना का बाद, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत चीज़ इंटरकनेक्टेड है वो चाय का क्वालिटी के साथ। आपका पॉलीफेनॉल कंटेंट,
अच्छा चाय में बहुत ज़्यादा है, जो लंबा पत्ती है उसका कोई गुण नहीं है। आप लोग को जरूर पता होगा कि चाय में बहुत बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसमें एंटी हाइपरटेंशन का क्वालिटी है, एंटी कैंसर का क्वालिटी है, काफ़ी रिसर्च हो चुका है। ग्रीन टी में वो रिसर्च प्रूव हो गया क्योंकि जापान और यूएस में काफ़ी रिसर्च किया है ग्रीन टी के ऊपर, तो वो एस्टेब्लिश हो गया है। लेकिन ब्लैक टी में भी जितना ग्रीन टी में जितना गुण है, ब्लैक टी में भी उतना ही गुण है, उतना ही गुण है। लेकिन एक बहुत ख़राब बात है, कोई कोई कॉम्पाउंड मिल्क प्रोटीन जो है केसिन, केसिन का साथ में जुड़ के वो इनएक्टिव हो जाता है। तो अगर आप दूध के साथ चाय पीते हैं, थोड़ा बहुत गुण आपको मिलेगा उसका, लेकिन 60% गुण आपका निकल जाता है। ओके, लेकिन अच्छा क्वालिटी चाय में वो बहुत ज़्यादा पॉलीफेनॉल कंटेंट है खराब चाय के तुलना में। तो हमको एक एक एजुकेशन देना पड़ेगा आदमी को, टी अप्रिसिएशन का एक एजुकेशन देना पड़ेगा आदमी को कि अच्छा चाय का प्रीमियम देने के लिए तैयार है। अंदर अंदर बात तो नहीं करी, जो जनता है, जो जो कंज्यूमर है, वी मस्ट एजुकेट द कंज्यूमर इनटू अप्रिसिएटिंग अ गुड कप ऑफ टी, ओनली देन द देयर बी एन अपवर्ड ट्रेंड इन द क्वालिटी एज वेल एज द कंजम्पशन ऑफ द बेवरेज। If we only look at our margins, I don't think the future of industry is good. अब हिंदुस्तान लीवर और टाटा का ये रिलेशनशिप देखिए। टाटा का अकाउंटेंट ने देखा कि हिंदुस्तान लीवर का ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, वॉल्यूम कम है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, और वो देखा कि लोअर सेगमेंट में वो लोग का और ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है। तो दो साल के आगे टाटा ने डिसाइड किया कि हम लोअर सेगमेंट में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो मैंने टाटा का वॉल्यूम घट गया, मैंने वो उल्टा हो गया। अब दो साल तीन साल के आगे लीवर्स का एवरेज क्वालिटी टाटा का क्वालिटी से ख़राब था, अब उल्टा हो गया है, और अब वॉल्यूम भी उल्टा हो गया है, लीवर्स का वॉल्यूम फिर टाटा से ज़्यादा हो गया है। तो मेरे ख्याल में ये एक सिग्नल है कि क्वालिटी डज पे इन द लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन। तो आप लोग को क्वालिटी के बारे में ज़्यादा बोलने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही ऐसा जगह है जहाँ हाई क्वालिटी चलता है, यहाँ और महाराष्ट्र। लेकिन अगर आप वॉल्यूम के अगर मैं ख़राब वर्ड यूज़ कर सकता हूँ, लालच, वॉल्यूम के लालच में अगर आप नीचे में जा रहे हैं, क्वालिटी स्पेक्ट्रम का नीचे में जा रहे हैं, मेरे ख्याल में लॉन्ग टर्म में आपका फ़ायदा नहीं होगा, शॉर्ट टर्म में हो सकता है। तो आप अपने से डिसाइड करना पड़ेगा क्या करना है। हमारा अलग अलग जो मार्केटिंग चैनल है, मैं ऑलरेडी बोला कि पैकेट चाय लूज़ टी के एक्सपेंस में, लूज़ टी के शेयर आस्ते आस्ते कम हो रहा है, पैकेट टी का शेयर बढ़ रहा है, पैकेटर का मार्केट पावर बढ़ रहा है, होलसेलर का कम हो रहा है, गार्डन का कम हो रहा है। अल्टीमेटली इसका जो लॉजिकल प्रोग्रेशन है, इसका जो एंड है, आप देखिए यूके यूएस जो डेवलप्ड देश है, वहाँ पैकेटर का भी कोई मार्केट पावर नहीं है, सुपरमार्केट का मार्केट पावर है सिर्फ। और अल्टीमेटली इंडिया में भी वही होने वाला है, डी मार्ट हो या रिलायंस फ्रेश हो या जो बड़ा बड़ा सुपरमार्केट, एक टाइम में हमारा किराना स्टोर को शायद अगर उस लाइन में जाते हैं, शायद उसको डिस्प्लेस करेगा किराना स्टोर को। तब उनका ऐसा पावर होगा, वो डिक्टेट करेगा कि हमारा कंज्यूमर को 140 रुपया में चाय चाहिए या 200 रुपया में या 300 रुपया में चाय चाहिए। और पैकेटर तब उनका टेस्ट का, उनका जो हॉराइज़न है, उनका प्राइस हॉराइज़न के हिसाब से पैकेटर को पैक करना पड़ेगा, वो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आएगा। ये एक्चुअली हमको रिजिस्ट करना है। रिजिस्ट कैसे करेंगे? चाय को एक प्रीमियम, एक हेल्थ प्रोडक्ट हिसाब से अगर हम पोजीशन कर सकेंगे तो ये रिजिस्ट होगा, वरना मेरा अंदाज में कभी रिजिस्ट नहीं होगा अगर वो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि दवाई का वो नहीं होता है। दवाई जो फार्मास्यूटिकल है, फार्मास्यूटिकल का प्राइस वह बाहर भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल एक स्पेशलाइज प्रोडक्ट है जो अपना हेल्थ के लिए अच्छा है, जो या वाइन
सिंगल मॉल्ट विस्की, ये सब का कोई दाम का साथ में डिमांड का कोई कनेक्शन नहीं है, वो एक अलग सेगमेंट में घुस गया। लेकिन चाय अगर एक कमोडिटी हिसाब से रहता है तो अल्टीमेटली इट इज़ द सुपर मार्केट्स दैट आर गोइंग टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ टी एंड इट विल बिकम इवन वर्स फॉर एवरीबॉडी इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन। दैट इज गोइंग टू हैपन अल्टीमेटली, गवर्नमेंट कांट स्टॉप इट। सो एनी वे आई फील दैट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द टी बोर्ड वी आर ट्राइंग टू एंश्योर दैट एजुकेशन अबाउट टी इंक्रीजेज इन द कंट्री। एक जेनेरिक प्रमोशन प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे इस साल, ये जो 18-19 का जो फाइनेंशियल ईयर है, जो फिल्म है ऑलरेडी रेडी है, हम जेनेरिक प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च करेंगे। लेकिन मैं बोला था कि प्रमोशन बजट एक या दो प्रोग्राम में खर्चा करने के लिए, टी बोर्ड का टोटल बजट है सैलरी के अलावा टोटल बजट है 200 करोड़ रुपया साल में। तो एक बड़ा जेनेरिक प्रोग्राम चलाने में कम से कम 50-60 करोड़ रुपया का ज़रूरत है। वो 200 करोड़ में गार्डन का सब्सिडी देना पड़ता है, रिसर्च फंडिंग करना पड़ता है, लेबर का कोई एचआरडी प्रोग्राम है जो लेबर वेलफेयर प्रोग्राम है, प्लस प्रमोशन। तो प्रमोशन का भाग में मैक्सिमम कितना 40 करोड़ रुपया ऐसा कुछ आता है। 40 करोड़ रुपया अगर बांट के एक्सपोर्ट डोमेस्टिक ये वो करता है तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको पता है कि एक सुई आपका बदन में आराम से घुस जाता है, एक नीडल घुस जाता है, क्योंकि उसका एरिया बहुत कम है, मैं हाथ से ही घुसा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ऐसा हाथ ऐसा आपका बदन में लगा के मैं ठेलता हूँ, उसका कुछ कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हमको एक एक पॉइंट में प्रेशर देना था, लेकिन जैसे मैं बोला, मैं एडवाइस कर सकता हूँ, अल्टीमेटली वो डेप्यूटी चेयरमैन और उनका जो ऑफिसर है वो लोग डिसाइड करते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो मेरे अंदाज में जो बजट दिया है वो जेनेरिक प्रमोशन प्रोग्राम के लिए बहुत कम है, और कितना इफेक्टिव होगा मुझे मालूम नहीं है। जैसा वो संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। चाय का वो जेनेरिक प्रोग्राम का फोकस होगा क्वालिटी का, मतलब क्या है, आप कैसे बनाना है आपको चाय, आपको चाय पत्ती दूध में डाल के बॉयल करने से उसका एरोमा निकल जाता है, वो वैसा टाइप का प्रोग्राम था। और मेरे ख्याल में इट वुड हैव डन लॉट ऑफ गुड फॉर द कंजम्पशन ऑफ टी, बट आई डोंट नो हाउ इफेक्टिव इट विल बी बिकॉज द बजट इज़ टू स्मॉल। द सेकेंड वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू हैव अ एक्सपोर्ट थ्रस्ट। एक्सपोर्ट बढ़ा है, अब 240 मिलियन केजी क्रॉस किया, लेकिन 1981 में 240 मिलियन केजी था, तो तब से घट के 195 तक पहुंच गया था, अब फिर थोड़ा बढ़ गया है। लेकिन इंडिया में चाय का एक स्टेबल मार्केट करने के लिए हमारा कम से कम 300 मिलियन केजी का एक्सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि स्मॉल टी ग्रोअर का उत्पादन कम होने वाला नहीं है, वो बढ़ते जाएगा जब तक उस इलाका में चाय एक प्रॉफिटेबल फसल हो, जब तक। और बाकी फसल का हालत तो और ख़राब है, गेहूं का सपोर्ट प्राइस मैंने गेहूं में हेक्टेयर में कितना 20,000-25,000 रुपया प्रॉफिट होता है, मुनाफा चाय में अभी भी एक स्मॉल ग्रोअर का उससे ज़्यादा होता है प्रॉफिट। लेकिन ऐसा क्रॉप है जिसमें 1-1.5 लाख रुपया प्रॉफिट होता है। मैं सुना नागपुर के पास में जो पॉमोग्रेनेट फार्मर है, पॉमोग्रेनेट अनार जो खेती करते हैं, उनका साल में हेक्टेयर में 2.5 लाख रुपया प्रॉफिट होते हैं। तो हमको या तो हमको स्मॉल ग्रोअर को दिखाना पड़ेगा कि आसाम नॉर्थ बंगाल में अपना ज़मीन से वो क्या दूसरा कर सकते हैं, या हमको डिमांड बढ़ाना पड़ेगा, हमको डिमांड में फोकस करना पड़ेगा, और वो एक्सपोर्ट डिमांड हो या इंटरनल डिमांड हो, इसमें फोकस करके हम चाय का डिमांड हमको ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर हम वैल्यू को टान सकेंगे, इफ़ यू आर एबल टू पुल द वैल्यू अप, इट विल बेनिफिट ऑल द मेंबर्स ऑफ द वैल्यू चेन, ईच एंड एवरी वन, किसान से लेकर
आपका जो रिटेल बेचता है, जो चाय का प्याला बेचता है, सबका बेनिफिट होगा। इसी ये बोल के मैंने विद दीज वर्ड्स आई वॉन्ट टू क्लोज माई स्पीच। एक्सक्यूज मी, ये दो चार क्वेश्चन आए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रिगार्डिंग टी जो बनता है चाय का। हाँ, तो आप रिसर्च के चेयरमैन भी हैं। हाँ, तो जो पेपर बैग आ रहा है, हाँ, वो हल्का क्वालिटी का आ रहा है, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन आया है। हाँ हाँ, हम तो उनके लिए आंसर करेगा। मैं स्पीच में बंद करता हूँ, दो चार बाद में, उसके बाद में मैं बी टू बी जो करना है कर लूंगा। तो बाद में हम थोड़ा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो ये प्रोग्राम बन के आप हमको जिसको भी क्वेश्चन जेने पर प्रश्न करवो हो तो चेयरमैन साहब अहीं रोकाशे अने आपणे एमनी साथे વાતચીતો કરી શકશું ક્વોલિટી માટે અને કોઈ પણ પ્રશ્ન માટે। તો આપણે એમને સાંભળશું, અત્યારે વધોજી કાકાને સાંભળી લઈ, ઉસકે બાદ મેં આપ બી ટુ ડી કરેંગે। હા બિલકુલ બિલકુલ બિલકુલ, મેરા જો મને અબ હમ ઇન્ટરેક્ટ કરેંગે, આપ લોગ કા ઓડિયન્સ કા સાથ મે ઇન્ટરેક્ટ કરને કે લિયે તૈયાર હું, લેકિન મેરા જો સ્પીચ હિસાબ સે જો દેના થા જી સર, મેં સમાપ્ત કરને ચાહતા હું। જી સર, થેન્ક યુ સર। ઓર જય ગુજરાત, જય હિન્દ। ગુજરાત કો ક્યા બોલતા હૈ પતા નહીં હૈ, લેકિન હિન્દ કે બારે મેં હરદમ જય હિન્દ બોલતા હું।